नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम लेके आ रहे हैं एक खास मुलाकात। इसका उपलक्ष्य है कि आज से ठीक 50 साल पहले एक नई किस्म की फिल्म, हिंदी फिल्म, बिल्कुल बॉलीवुड, बिल्कुल मसाला फिल्म, एक नई किस्म के वेव्स को पैदा कर रही थी। बिल्कुल नया किस्म का एक हिट खड़ा हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 1973 मई 11 1973 को फॉर्मली रिलीज हुई थी जंजीर, जो अमिताभ बच्चन को जो स्टारडम दिया। प्रकाश मेहरा ने यह फिल्म का निर्देशन किया। सलीम जावेद स्क्रीन प्ले के जो टीम बनी, जो अगले कई सालों तक हिंदुस्तान के बॉलीवुड के सिनेमा जगत को डोमिनेट करते रहे, और उसके साथ साथ अमिताभ बच्चन जो एक तरह से हिंदुस्तान के सिनेमा के सबसे पहले और सबसे बड़े उतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। तो उस उपलक्ष में उसके 50 साल होने के बाद, क्योंकि जंजीर फिल्म ने एक एंग्री यंग मैन का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो आज हम बात करेंगे जंजीर की हिस्टोरिकल रिलेवेंस के बारे में। एंग्री यंग मैन क्या था उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो एंग्री यंग मैन आज के हिंदुस्तान के सिनेमा जगत से और समाज से क्यों चला गया है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करेंगी हमारी बहुत ही पुरानी मित्र रही हैं, सुष्मिता दासगुप्ता, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और उसके बाद वहां से उन्होंने एमफिल और पीएचडी किया है। सुष्मिता जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुष्मिता जी को बुलाने का मूल कारण ये है कि ये सोशियोलॉजी में जेएनयू में एमफिल और पीएचडी किया इन्होंने, और ये पहली ऑफिशियल एकेडमिक हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एकेडमिकली स्टडी किया। इनके एमफिल के डिसर्टेशन का जो टॉपिक था वो था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ हीरो इमेजेस ऑफ अमिताभ बच्चन। पीएचडी में उनका जो टॉपिक था वो था सोशियोलॉजी ऑफ द हिंदी कमर्शियल सिनेमा, अ स्टडी ऑफ अमिताभ बच्चन। इन्होंने अमिताभ बच्चन के फिनोमिनन को स्टडी किया और उसके बाद अपने पीएचडी और एमफिल को बेस बनाते हुए उन्होंने आज से करीब 15 वर्ष पहले ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब छापी गई थी। ये पेंगुइन ने छापी थी, अमिताभ द मेकिंग ऑफ अ सुपरस्टार। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, हम जंजीर को समझने की कोशिश करेंगे, हम अमिताभ बच्चन फिनोमिनन के बारे में बात करेंगे। सुष्मिता जी के काफी लंबे समय तक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ था अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पहला जो बहुत ही फंडामेंटल सवाल, सुष्मिता, गुस्सा, एंगर को रोमांटिसाइज किया गया था इस फिल्म में। अचानक से गुस्सा और एंगर को वाजिफ या फिर जस्टिफाई किया गया, बहुत इसके बारे में जानना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने जब बहुत दिन बाद, मतलब बहुत ही रिसेंटली, मैं उदय शंकर की कल्पना देखा, वो फिल्म मैंने देखी, और उसमें मैंने देखा कि जंजीर का जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफी हद तक उदय शंकर के कल्पना से डिराइव्ड है, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है कई जगह। अब बहुत ये दोनों ही चीज जो थे वो थे बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। जंजीर का भी एक बहुत लंबा और डीप ड्रीम के तहत एक इंसान फंस गया है, उसके पास एक ड्रीम आता है, एक नाइटमेयर, वो ड्रीम भी नहीं है, एक नाइटमेयर आता है, और वो गुस्सा उसका इसलिए है क्योंकि जंजीर का गुस्सा इसलिए है कि वो ड्रीम को समझ नहीं पा रहा है, और ये ड्रीम के कारण वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो फिलोसॉफिकली देखा जाए, ये सेपरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एसेंस है, तो यही जो फिलोसॉफिकल ग्राउंड है वो अमिताभ बच्चन के इमेज को बनाते हैं, उसका एक नींव खड़ा कर देते हैं, और उसके ऊपर इवेंचुअली वो सारे जो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का इमेज है वो उसके ऊपर बिल्डअप किया जाता है। तो बेसिकली जंजीर एक ड्रीम वर्क है, एक नाइटमेयर है जो एक इंसान को
इन एवरीडे लिविंग लाइफ डिस्टर्ब करता है, उसके कारण वो वायलेंट हो जाता है, क्योंकि उसका एसेंस और जो एग्जिस्टेंस है उसमें उसका एक सेपरेशन है। ये सेपरेशन एंगर का कारण है, जहां पे अमिताभ बच्चन बहुत ही एक हैप्पी गो लकी रोल भी कर रहे हैं, वहां पे भी यही सेपरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एसेंस उसका इमेज का फाउंडेशन है। थोड़ा सा मैं नैरेटिव को दोबारा से, हमारे जो कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए दोबारा से थोड़ा सा रिक्रिएट करें, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है और आज के जो नौजवान देख रहे हैं इन्होंने बेसिकली यूट्यूब चैनल्स में या तो सिंगल शॉट में या फिर अलग अलग टुकड़ों में देखे हैं। फिल्म जो है, मैं आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा था जो आपकी किताब का एक एक्सेप्ट था, 2017 में छपा था एक वेबसाइट में, जब अमिताभ बच्चन 75 वर्ष के हुए थे, तो उसमें आपने एक बात कही है कि अमिताभ बच्चन एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं, उनको जो, और उनके अपने पर्सनल अतीत में उनके माता पिता को मार डाला गया है, एक बदमाश ने मार डाला है, लेकिन उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसने मारा। उनका पिक्चर में गुस्सा आता है एक कैरेक्टर के ऊपर जो बदमाश है, जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है, जो क्रिमिनल है, तो एसेंशियली एक सिस्टम के प्रोटेक्टर के तौर पर उनको गुस्सा आता है, जितना कि मैं समझ पाया। और जब सिस्टम उनके गुस्से को आर्टिकुलेट करने के स्पेस नहीं देता है, तो वो अपने स्पेसेस खुद ढूंढ के निकालते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में उनका जो दुस्वप्ना था, जो नाइटमेयर था जिसकी बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके माता पिता के मर्डर के बारे में जो कहानियां, जो छवि उनके सबकॉन्शियस में जो दबी हुई थी, वो निकल के आते हैं, और वो देखते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसको क्रिमिनल आइडेंटिफाई किया था, वही उनके अतीत का क्रिमिनल है जिसने उनके माता पिता को मारा। ये एक तरह से तो आपने इसमें समझाया कि एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि फिल्म शुरू होती है गुस्सा उनका अपना नहीं, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली। और आपने एक जगह अपनी किताब में ये भी लिखा है कि हिंदी फिल्म जगत में जंजीर पहली फिल्म थी जो किसी एक पात्र का, किसी कैरेक्टर की बायोग्राफी है, उसके कोई जिंदगी के कोई छोटे मोटे पहलू नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा विजय कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, शुरू से लेके अंत तक, जहां तक फिल्म खत्म होती है, सिर्फ उसी के बारे में है, और कुछ है ही नहीं। जरा इसके बारे में एक्चुअली यही है कि क्या होता है कि हमारे जो हिंदी फिल्म है इंटेलेक्चुअल जैसे हैं, वो एक्चुअली वो इंटेलेक्चुअल का एक स्पेस है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का एक स्पेस है। तो जब अमिताभ बच्चन का इमेज हम देख रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरली उसका मिडिल क्लास स्पेस जो है वो इसलिए सिस्टमिक एंगर है, इसीलिए उसका पूरा बायोग्राफी दर्शाया जाता है, क्योंकि तब जो है कि हमारे पास मिडिल क्लास के पास जो अपॉर्चुनिटीज हो रहे थे वो बहुत बढ़ रहा था। एक्चुअली हम लोग बहुत एक्सपैंड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। तो वंस एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, हर क्लास आगे की क्लास में जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं इसको एस्पिरेशनल क्लास तो कतई नहीं कहूंगी, क्योंकि बट ये प्रोफेशनल मोबिलिटी, प्रोफेशनल एक्सीलेंस का एक क्लास था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वैसे बढ़ रहे थे, IITs बन रहे थे, IIMs बन रहे थे, आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो रहा था, हमारा कैंसर रिसर्च के ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है, एंड मैसिवली ग्रीन रेवोल्यूशन जो तकनीकी इंटरवेंशन से पूरा हिंदुस्तान का जो, हाँ जी, एक छोटा सा एडिशन कर रहा हूँ कि ये दौर है जहाँ पहली बार आजाद हिंदुस्तान में विमेन की स्टेटस को जांचने के लिए और स्टडी करने के लिए सरकार एक, केंद्र सरकार एक कमिटी का गठन करती है, जो अल्टीमेटली जाके जो तमाम जो विमेन रिलेटेड जो लेजिस्लेशंस होते हैं या फिर बाकी जो पॉलिटिकल डायलॉग में जो आगे जाते हैं, इवेंचुअली जाके जो अभी तक अटका हुआ जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल है, वो सबकी शुरुआत उसी स्टेटस ऑफ विमेन कमिटी जो बनी थी उसके बाद उससे शुरू हुई। हिंदुस्तान का लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम था फैमिन, वो फैमिन को खत्म किया।
आज के दिन में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये इमेजिन करना कि हमारा ये क्रॉनिक प्रॉब्लम था, अब फैमिन खत्म हो गया। तो क्या हो रहा था, जो तकनीकी पोस्ट बढ़ रहे थे, तकनीकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे थे, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे थे, यहाँ पे डिमांड ऑन द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया भी बहुत बढ़ रहे थे। एक तरफ से डिमांड भी बढ़ रहे थे, एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रहे थे जी। और इस दौरान में अनएम्प्लॉयमेंट उठा था, बट दैट आई डोंट थिंक कि वो जंजीर में उतना रिफ्लेक्शन, उसमें उतना रिफ्लेक्शन जंजीर में एटलीस्ट नहीं था जी। ये 1973 की फिल्म थी। तो ये जो पूरा बायोग्राफी है, क्योंकि इंसान को बहुत आगे जाना है, इंसान सिर्फ एक कंज्यूमर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, पर वो बिल्डर एंड क्रिएटर ऑफ अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट डिस्कोर्स इन टेक्नोलॉजी, इन इंटेलिजेंस या इन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग सब में हो रहा था। इसीलिए उसका बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था, क्योंकि वो तरह तरह स्ट्राटा से आ रहे थे, यही स्ट्राटा में उसका बैकग्राउंड भी, पर्सनल बैकग्राउंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा था। देवर नॉट ऑल फ्रॉम द सेम स्ट्राटा, लॉट मेनी मोर स्ट्राटा पीपल वर कमिंग इनटू द इंटेलिजेंसिया। आप एक तरह से बता रहे हैं कि इसमें जो गुस्सा है, तो गुस्सा के प्रति क्या क्या एटीट्यूड, गुस्सा क्यों है, मतलब क्या जो विजय कैरेक्टर का, जो पात्र का जो गुस्सा है, क्या वो एक कलेक्टिव गुस्सा को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं 73 में जब पिक्चर रिलीज होती है, वही समय है गुजरात में नव निर्माण आंदोलन शुरू हो जाता है। तो क्या फिल्म की हिट होने का कारण है, ऑब्वियसली उनको पता नहीं था कि 1973 में एक स्टूडेंट आंदोलन शुरू होने वाला है और 2 साल के अंदर इमरजेंसी लागू होने वाली है, किसी को, फिल्म के निर्माताओं को पता नहीं था, लेकिन जंजीर एक मेजर सक्सेस और जिसके साथ आम जनता आइडेंटिफाई कर पाए, उसका मूल कारण क्या यही था कि पॉलिटिकल प्रोसेस जिससे आम जनता गुजर रही थी, कहीं ना कहीं उस अलग तरीके से उनका ही गुस्सा को एक दूसरे स्फीयर में आर्टिकुलेट किया जा रहा था। एक्चुअली गुस्सा जब भी हम दिखाते हैं आर्ट में, और गुस्सा जब भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बदल जाता है, आर्ट और पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मतलब गुस्सा जब एक यूनिवर्सल डिस्कोर्स में आ जाता है, वो गुस्सा है इंसान का एक्सपेंड करने का डिजायर। इट इज अ डिजायर टू एक्सपेंड, यू नो, टू गो फास्ट। अब ट्रैफिक जैम में अटके हुए हो, BMW गाड़ी है, आप हॉर्न लगाते रहते हो क्योंकि आपको आगे जाना है। ये इंपेशेंस की हमको आगे जाना है, हमको फैलना है। ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेंजर भी है, पर अपॉर्चुनिटीज भी है, एक्सपैंड भी कर रहे हैं और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दौड़ में हैं और दौड़ में जीतने का कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस और गुस्सा, ये गुस्सा था, ये मुझे बाद में पता चला। लेकिन विजय जो पात्र है, जो पुलिस ऑफिसर है, उनको तो आगे नहीं जाना, उनका तो गुस्सा ये कि जो कानून व्यवस्था है वो ठीक से क्यों नहीं चल रही। He's a performer also. He's a professional performer. वो हमेशा perfection की ओर जाना चाहते हैं। वो अपना काम और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और भी, इसलिए वो बहुत risk भी लेता है। अंत में जब उसको है कि जब वो जेल से छूटता है, वो घर में वो बैठता है, और उसमें problem यही है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे घर में नहीं बैठना है। वो गुस्सा करता है, बोलता है कि एक पर्दा लगा दो और मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, यही अच्छा है। तो दैट इज हिज फ्रस्ट्रेशन, सो ही वांट्स टू डू मोर। अमिताभ बच्चन का जो पात्र है विजय, उनका आगे जाने के लिए नहीं है, उनका गुस्सा तो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे है कि जो सिस्टम की रखवाली कर रहे हैं वो सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो आप अभी जो बता रही थी उसके बारे में जब बताएं कि कैसे एक तरह से वो परफेक्शनिस्ट थे और काम करना चाह रहे थे, क्योंकि परफेक्शन तभी इंसान को आता है जब वो पूरा सिस्टम को लाइक एन ऑटोमेटन, लाइक ऑटोमेटिकली एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, एवरीथिंग शुड रन इन अ सिस्टम, इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। तो यही एक्चुअली अमिताभ बच्चन इज अ वेरी ऑर्डरिंग पर्सन, वो सब चीज में ऑर्डर लाना चाहते हैं, सब वो जो बिखरा हुआ चीजें हैं उसको समेटना चाहता है। कमरा अगर इधर उधर फैला है चीज, वो समेटना चाह रहे हैं। दीवार में भी है, जंजीर में भी हमको दिखा पहले बार कि हर चीज उसको समेटना पसंद है। तो इसीलिए उसको क्राइम जो है वो उसको एक आउट ऑफ प्लेस डिस्टर्बेंस लग रहा है, उसका इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस ऑफ डिसऑर्डर। ये जो बिखरा है उसको बहुत दुनिया को बिखरते हुए लग रहा है।
देखिए दारू बेच रहा है, बच्चे को मार रहे हैं, ही इज डिस्टर्ब, ये क्या दुनिया का क्या हो रहा है जी। यस हम वापस जाते हैं 1973 के युग में, फिल्में इतने जल्दी नहीं बढ़ती थी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी जिस तरह से, जिस स्पीड से, रफ्तार से आजकल जाती है। 73 में ज्यादा से ज्यादा कुछ बड़े शहरों में जंजीर को रिलीज किया गया, देखा गया। उसके बाद 74-75 तक जो टायर 2 और टायर 3 शहर है उनमें गए, पहले हिंदी भाषी क्षेत्रों में गए, उसके बाद गैर हिंदी क्षेत्रों में गए। तो उसी समय एक हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक एक्यूट क्राइसिस पॉइंट हिट हो रहा है। 1975 में इमरजेंसी लागू होती है, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलता रहता है और उसके पहले से भी युवाओं का आंदोलन चलता रहता है। वो जरा समझाने की कोशिश करिए कि जो आंदोलनकारी हैं वो जंजीर फिल्म के साथ क्या रिलेट कर पा रहे हैं और क्या विजय के पात्र में अपने आप को देख पा रहे हैं, क्या वो उनको लगता है कि वो उनको पर्सनलाइज कर रहे हैं? नहीं निलंजन, ये है कि आंदोलनकारी जो है, जो हमारा याद है क्योंकि हम तो उन जमाने के थे, आंदोलनकारी बॉलीवुड को तो बहुत ही नकारते थे, अमिताभ बच्चन को उसको कतई पसंद नहीं था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन को एस्टैब्लिशमेंट के बंदे मानते थे, इसीलिए जब वो कांग्रेस भी ज्वाइन किया तो पीपल वर नॉट एट ऑल सरप्राइज, ही वॉज नेवर सीन टू बी an anti-establishment person, he was seen to be a parallel figure of Indira Gandhi. Indira Gandhi and Amitabh Bachchan both were considered as Yuga Purush. Indira Gandhi ko toh main hi bula sakte. Usko matlab young man anti-establishment nahi thi. Nahi, jaise jitna Indira Gandhi khud bhi to anti-establishment thi. She was herself a very anti-establishment person. नहीं तो Presbyterians जो हैं, उनके साथ उसका problem क्यों हो रहा है? Presbyterians का मतलब elders, the syndicalists. उसके साथ जो उसका बगावत और कांग्रेस को एकदम कंप्लीटली नया दिशा देना, 50 एक्ट पार्लियामेंट में पास करना, जहां पे जो कुछ उसको डिसऑर्डरली लग रहा था, सबको विमेन के विमेन बिल, एंटी डाउरी बिल, बॉन्डेड लेबर, बैंक नेशनलाइजेशन, उसको जहां पे लगता था कि उसके पास ऑर्डर नहीं है, चीज ऑर्डरली नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वॉज क्लैम्प डाउन। इमरजेंसी वॉज ऑल्सो क्लैम्पिंग डाउन एंड इमरजेंसी। आप अगर आप अभी थोड़ा, अभी जो हम हैं, अभी जो अमिताभ का काफी नशा सोसाइटी में उतर गया है और स्कॉलर्स में भी उतर गया है, तो अभी अब अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन का जो मूवमेंट इनसाइड द फिल्म है और इंदिरा गांधी का मूवमेंट जो आउटसाइड इन पॉलिटिक्स हो रहा है, वो एकदम पैरेलल है। जंजीर में पैरेलल है क्योंकि इंदिरा गांधी भी तो सिंडिकलिस्ट को फाइट कर रहे हैं, इंदिरा गांधी भी तो इसीलिए जब मोहब्बत एकदम उसका रिसर्जेंट फिल्म है, उसमें तो वही उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि आपने जो रेवोल्यूशन बोला था वो एक्चुअली बहुत ही रिएक्शन और एक अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आपने एक बड़ी, हम लोग अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, आपने अपने किताब में एक चीज को टैकल करने की कोशिश की है कि अमिताभ बच्चन जिन फिल्मों में की वजह से जाने गए, जिनकी वजह से वो इतने बड़े सुपरस्टार बने, ये फिल्मों में जो उनके जो पात्र थे, जो कैरेक्टराइजेशन थे, जो डायलॉग्स थे, वो एक तरह से उनके दिमाग के खपत ज्यादा होती थी, ना कि स्क्रीन प्ले राइटर्स और डायरेक्टर्स की। लाइक मोर ऑफ एन एक्टर्स फिल्म एंड लेस ऑफ अ डायरेक्टर एंड अ स्क्रीन प्ले एंड द राइटर्स फिल्म। तो इसको आपने थोड़ा एक्सप्लोर भी किया था, इसके बारे में जरा बताएंगे कि वो क्या बताते हैं कि कैसे जब शूटिंग होता है तो वो एक जोन में चले जाते हैं, जरा बताएं इसके बारे में। हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा, क्या होता, क्योंकि मैंने जब जो स्टडी किया प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग बॉलीवुड में, खासतौर स्क्रीन राइटर, एक्चुअली अमिताभ बच्चन के लिए तो सलीम जावेद वाज एक्चुअली द मेन पर्सन हु गेव ऑल द डायलॉग्स। बट ये जो इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन है, ये इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन शायद ये खुद का है, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स, मेनी ऑफ द एंग्स जो वो फिल्म में दिखाते थे, जैसे संजीव दीवार वगैरह, ये सारे लोगों का एंग्स था। अभी यश चोपड़ा के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखा
और मैंने देखा कि मेरा अंदाज तो सब सही था. दीवार जब बना रहे थे, यश चोपड़ा वॉज ऑल्सो फाइटिंग हिज फादर फिगर बी आर चोपड़ा. सलीम खान वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पुलिस मैन फादर. जावेद अख्तर वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कम आउट ऑफ हिज फादर्स शैडो. सो अमिताभ वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कम आउट ऑफ हिज फादर्स शैडो. ही डिड नॉट स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. ही डिड नॉट बिकम अ फैकल्टी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. ही ज्वाइन द कॉर्पोरेट सेक्टर. ही स्टडीड साइंस. ही केम अवे टू कैलकटा टू मेक अ लाइफ. तो सारे जो बायोग्राफीज थे इन दौर में, इन दौरान सिलसिले में जितने सारे बायोग्राफीज थे, इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो कमिंग टूगेदर ऑफ सो मेनी बायोग्राफीज. लेकिन आपने अपनी किताब में लिखा है कि आपके चर्चाओं में उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो युवा थे और जब मतलब उससे पहले भी, उनके पिता की सोच, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी लिखी हुई कविताओं का एक बहुत ही डीप रूटेड इम्पैक्ट था अमिताभ बच्चन के डेवलपमेंट में, उनका मेंटल विकास होने में. यहाँ तक कि जो उनके जो विरोध और विद्रोह की जो भावनाएं थी, वो बहुत हद तक हरिवंश राय जी के कविताओं से निकली हुई है. तो उसको उन्होंने किस तरह से आर्टिकुलेट किया और एकेडमिक के तौर पर आप उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? ये जो उसका सिर्फ हरिवंश राय बच्चन नहीं है, उसके घर में तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, दीस पीपल वर कांस्टेंटली दरवाजा था एक लिटरेरी जगत का. एक लिटरेरी जगत था. सो उसमें से द एंटायर मूवमेंट ऑफ दोज हिंदी पोएट्स वाज बिल्ट इनटू हिज साइकोलॉजी एंड ही वाज बिल्ट इनटू हिज पर्सोना. और इन द एंड व्हेन यू नो व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, then as he comes to Calcutta to pursue a completely different world, the world of the corporate, Calcutta corporate world, that's a very different world. So I think he usme everybody wants to come out of his father's shadow, and the better you are, more influenced you are by the father, the more you want to be out of the shadow. Sushmita ji, aapne abhi ek bahut bahut hi badi baat boli ki har insaan अपने पिता या अपनी माता की परछाई से निकल के उभरना चाहता है अपनी एक अस्तित्व बनाने के लिए. तो अमिताभ बच्चन अपने पिता, उतने बड़े कवि थे, उनके छत्र छाया से निकल के अपनी छवि बनाई. और उनका जो कैरेक्टर था इनिशियली, जो छोटे शुरू के जो फिल्मों में थे, जो ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मों में देखने को मिलता है कि बहुत ही क्लासी किस्म के लोग, बाबू मोशाय उस तरह के फिल्मों में काम करते हैं, उसको भी तोड़ के निकलते हैं. आपने एक जगह लिखा है कि अमिताभ बच्चन ने जंजीर में अपने आप को डी क्लास किया, इसके बारे में बताइए. हाँ जी, ये डी क्लास इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग अपवर्डली मोबाइल होते हैं, जो इंसान एक्चुअली वही हमारे हिंदुस्तान में हमारे यूथ यंग डेज में, एटलीस्ट कलकत्ता में तो ही देखने को मिला काफी क्लोजली, कि आप जब अपने परछाई से, पिता के परछाई और घर का आश्रय से जब हम निकलते हैं, तो आप जब सड़क को हिट करते हैं, उसमें आपका बैगेज ऑफ मैं कौन हूँ इसका कोई मतलब नहीं रहता. सो डी क्लासिंग ऑटोमेटिकली हैपन्स व्हेन यू गो ऑन एन एक्सपेंशन. अलेक्जेंडर ऑफकोर्स वो फिलिप का बेटा था, इसीलिए वो मैसेडोनिया से आगे हिंदुस्तान की ओर आए, सेंट्रल एशिया गए. बट on the way he could not belong to the palace, he had to become a warrior on the street. So ye pilgrimage jo hai jahan pe ghar se nikal ke aap apne goals ki taraf jate hain, ye aapka automatically jaisa hi aap sarak ko hit karte hain aap declassed ho jate hain. To shayad kya hum ye keh sakte hain ki zanjeer mein bhi character ek tarah se apne pita, unke to pita aur mata dono bachpan mein hi maar dale gaye the, to chhavi hone ki, chhaya hone ki koi वो नहीं है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं. और जो आप प्रोसेस बोल रहे हैं, जो अपवर्डली मोबाइल होने का वो जो युग है, पहली बार जो युवा है अपने घर से निकल के शहरों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, हॉस्टल्स में जाके रह रहे हैं, तो वो इसीलिए एक शायद आइडेंटिफिकेशन हो पाया क्योंकि उसी प्रोसेस से वो भी अपने पेरेंटल या अपने छोटे शहर के या कस्बे के से बाहर निकल कर बड़े शहर में जा रहे हैं, छत्र छाया से निकल के जा रहे हैं. बिल्कुल और लेट 60s और मिड 70s तक ये जो प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ये बहुत इंटेंसिटी से हुआ था.
इस दौर में दीज फ्यू इयर्स आई वुड से 1967 टू 1977 दिस 10 ईयर पीरियड वाज एक्चुअली अ वेरी हाई मोबिलिटी पीरियड फॉर द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया. ये देखने के लिए आपको एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे पर यूनिट इन्वेस्टमेंट आपका टेक्निकल मैन पावर इतना बढ़ गया है और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में काफी रिक्रूटमेंट हो रहा था. ये भी वही दौर है जहाँ हिंदुस्तान में सिनेमा का बहुत विकास होता है. जो न्यू वेव सिनेमा बोलते हैं वो भी लेट 60s से शुरू होता है और 70s में बहुत लेट तक चलता रहता है. पूरा 70 का जो दशक है उसमें न्यू वेव आर्ट जो आर्ट हाउस सिनेमा बोलते हैं शुरुआत तो होती है बिल्कुल भुवन सोम से, लेकिन उसी समय बंगाल में नक्सल आंदोलन चल रहा है. सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋतिक घटक अपनी अपनी तरीके से जो एक टर्बुलेंट बंगाल था उसके ऊपर अपने अपने फिल्में बनाते हैं. बहुत मेजर फिल्में बनती हैं और गर्म हवा जैसी फिल्म बनती है जो 1947 का हिंदुस्तान का पार्टीशन. सो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फेज है जो तमाम चीजों के साथ हो रही है. एक बात बताइए कि जंजीर जो है अमिताभ बच्चन के जो सिनेमैटिक जो उनका जो प्रोग्रेशन है उसमें ये कहाँ पे था जंजीर? जंजीर उसका स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी है, ये एकदम नीव है. तो अमिताभ बच्चन के जो फुल इमेज है वो फुल इमेज दीवार में ही आता है. जंजीर इज अ प्रीकसर, इट्स नॉट एज येट देयर. मतलब जंजीर को आप मानेंगे कि स्टेपिंग था दीवार बनने की? हां जी, स्टेपिंग स्टोन. तो इसके पहले के जो रोल थे मेरे को जितना याद है साथ हिंदुस्तानी थे और कुछ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में थे, तो उनके कैरेक्टर्स में और इस इन कैरेक्टर्स में आपने भी एक जगह कहीं लिखा है कि उन्होंने जो एक्टिंग पर्सनालिटी थी उसमें कुछ थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश की कि कुछ एलिमेंट्स ऑफ देवानंद और कुछ कुछ रस्टिक एलिमेंट्स ऑफ धर्मेंद्र, क्या इसके बारे में जरा बताएंगे? एक्चुअली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जंजीर जावेद आई थिंक जावेद अख्तर का ही इंटरव्यू में था या अमिताभ बच्चन नहीं जावेद अख्तर का ही इंटरव्यू में था कि पहला चॉइस जो था ऑफ फॉर अ हीरो ऑफ जंजीर दैट वाज ऑफ धर्मेंद्र और देवानंद समथिंग लाइक दैट. जो फिलहाल मुझे अभी आज व्हेन आई वाज गोइंग ओवर जंजीर एंड वाज थिंकिंग मुझे ये बात बिल्कुल एक गलत लगा, मुझे लगता नहीं है ये सच है, पर वो बाद में एक डिस्कशन होगा. तो इसीलिए शायद अमिताभ बच्चन को कहा गया कि आप ये सोफिस्टिकेशन भी डालिए और धर्मेंद्र का जो नो होल्ड बार्ड जो एक्शन है उसको भी डालिए, क्योंकि मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम है, हर जगह मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम है, वो है कि वो फिजिकल वायलेंस को विथस्टैंड नहीं कर पाता, वो फिजिकली वायलेंट होकर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता. अमिताभ बच्चन मिडिल क्लास हो के भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ताकत रखता था. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे अभी तो इट्स अ डिफरेंट थिंग बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस एस्पेक्ट अट्रैक्टेड अस वेरी मच टू अमिताभ बच्चन इमेज. तो एक एंग्री यंग मैन का एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ जो आप जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने भी समझने की कोशिश की और सिनेमे भी बना, एक तरह से टेम्पलेट बन गया. अगर हम आज के हिंदुस्तान की बात करें तो ना हमको सिनेमा में उस तरह का एंग्री यंग मैन दिखता है और ना ही हमको समाज में उस तरह का एंग्री यंग मैन दिखता है. हमको एंगर जरूर समाज में दिखता है. आपसे जब चर्चा हो रही थी इसके बारे में तो आपने अंदेशा दिया था कि हमको अलग अलग किस्म के गुस्से दिखाई देते हैं. जरा इसके बारे में बताइए कि आज का जो गुस्सा है कितना मिसडायरेक्टेड गुस्सा हो गया. जो अमिताभ बच्चन का गुस्सा है वो हम बात कर रहे थे आज ही सुबह कि वो एक यूनिवर्सल कारण के लिए एंगर था, वो पर्सनल एंगर नहीं था, वो एक यूनिवर्सल एंगर था. बात ये है कि जब आज के दिन में भी बहुत एंगर है, ये जो राइट्स हो रहे हैं मणिपुर में ये तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं, गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है. सोशल मीडिया में देखिए इतना गुस्सा है, कोई किसी को सड़क चलते पीट देता है, लिंचिंग हो जाती है, लोगों को मार डालते हैं, बिल्कुल ऑनर किलिंग, ये सब तो बहुत गुस्सा है. बट ये गुस्सा इसलिए मिसडायरेक्टेड है क्योंकि लोगों का कोई धारणा यूनिवर्सल और सिस्टम के बारे में नहीं है.
मेरा क्या हो रहा है वो सोच रहे कि मेरा मेरा ही हो रहा है और कोई नेबर के कारण हो रहा है या क्लासमेट के कारण हो रहा है, वो यही नहीं देख पाता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल फेलियर है, ये एक इंटेलेक्चुअल फेलियर है। जब आपका गुस्सा आजकल के गुस्से में बदल गया है, जो नेबर को पीटना है, रास्ते चलते लोगों को पीटना है, एक इमेजिनरी एनिमी हमने बना दिया है, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस से बन गया है और उसके ऊपर गुस्सा निकलता है, वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो, कभी जात के आधार पे हो, कभी एथनिक आइडेंटिटी पे हो, या फिर जेंडर के बेसिस पे भी हो। आज के युग में इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, हमारे जो 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 जो, जो इंटरसेक्स की जो पूरी कम्युनिटी है, जिसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा था, इतनी हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, जो आपसे थोड़ा भिन्न है, जो अलग है, उसके प्रति गुस्सा है, जबकि जंजीर का जो गुस्सा था वो एक तरह से सिस्टम के प्रति गुस्सा था कि जिस तरह से सिस्टम को चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहा है। तो हम उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदुस्तान के सिनेमा में ये जो गुस्सा है इसका जंजीर के पहले कोई एविडेंस मिलते हैं। आपने अपने आर्टिकल्स में कहीं मेंशन किया है, स्टडीज ने किया है कि किस्मत 1943 में अशोक कुमार 1943 में किस्मत में उस समय से फर्स्ट एंटी हीरो, तो एंटी हीरो इन हिंदी सिनेमा, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हर हीरो ही कुछ तरह से एंटी हीरो है, हर हीरो ही है। दिलीप कुमार का गुस्सा गंगा जमुना में कुछ कम नहीं है जी, वो पर उसका एंगर हेल्पलेस एंगर है, वो डिस्पेयर का एंगर है, वो इट इज अ एंगर ऑफ अ हेल्पलेसनेस। राज कपूर में गुरुदत्त भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली ये जो अमिताभ बच्चन का एंगर है, ये एंगर एंगर तो हिंदी फिल्म में हमेशा है, पर एंगर कभी सेंट्रल नैरेटिव नहीं बना। एंगर बाय द वे था, कॉन्वर्सेशन के पार्ट था, बट सेंट्रल नैरेटिव, अ कैरेक्टर हु इज यू नो ड्रिवन बाय अ काइंड ऑफ एंगर, सेंट्रल इमोशन है जंजीर में। आपने सही पॉइंट किया कि वो गुस्सा है, एंग्री यंग मैन, वो केंद्र बिंदु है उस पिक्चर का। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमको जंजीर के बारे में नोटिस करते हैं, अमिताभ के शुरू के फिल्मों में उनके पात्र गाना नहीं गा, म्यूजिकल हिंदुस्तानी में तो सिनेमा तो गानों के साथ मतलब कल्पना करना बिल्कुल मुश्किल है, तो कैसे उस समय के निर्माताओं ने हीरो बनाया जिसको कोई गाना नहीं दिया और ऑडियंस ने क्यों एक्सेप्ट? एक्चुअली इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो बात है कि देवानंद धर्मेंद्र को पहले सिलेक्ट किया गया, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्ट होते ही नहीं है क्योंकि इसमें हीरो के ऊपर गाना नहीं था जी। गाना नहीं था इसलिए अमिताभ का एक्सेप्टेंस इतना अच्छा हुआ था, क्योंकि वो सिचुएशन जो है फिल्म में उसमें गाना बनता ही नहीं है, क्योंकि गाना एक मोमेंट ऑफ मैच्योरिटी है, एक मोमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है, जहाँ पे आपका नैरेटिव जो है वो उसके आपका डायलॉग खत्म हो जाता है तब गाना आता है। अमिताभ बच्चन का तो मूवमेंट खत्म ही नहीं होता है, फिल्म का एंड तक उसका मूवमेंट खत्म नहीं होता है और कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे मूवमेंट उसका खत्म होता है, इसीलिए उसका गाने का अवसर नहीं मिलता है, उसके ऊपर गाने का कोई अवसर नहीं मिलता है। ये कारण है कि वो स्थित नहीं होता है, नोवेयर इज ही फाइंडिंग अ पॉइंट ऑफ रेस्ट। त्रिशूल में थोड़ा रेस्ट उसको मिला था, उसमें गाना था और उसके बाद तो ऑफ कोर्स उसके बाद के तो फिल्मों में मतलब गाने ही रहे। एक आपसे आखिरी सवाल, एक बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर थे जंजीर में, वो प्राण ने जो रोल प्ले किया था शेर खान, वो पठान थे, वो पहले गुंडा होते हैं, उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ एक ड्रामेटिक इनकाउंटर होने के बाद वो बदल जाते हैं और एक गैंगस्टर से वो एक भले इंसान बन जाते हैं। इतना बड़ा एक सेंट्रल कैरेक्टर, एक पठान, हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा रिलीजियस पोलराइजेशन हो गया इसके बारे में हमको पता है। अभी हाल में एक और फिल्म आई थी जहाँ ये पठान का जो कॉन्सेप्ट है, शाहरुख खान की फिल्म का नाम था पठान, और उसमें भी जो कैरेक्टर है वो एक तरह से जिसका कोई अतीत के बारे में पता नहीं है, लेकिन
के तौर पे एम्ब्रेस किया जाता है अफगानिस्तान के लोगों में, नैरेटिव में बताया जाता है। तो ये जो एक बीच में एक ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है ऑफ ऑफ जो कॉम्पोजिटनेस हमारे संस्कृति के, इसके बारे में कुछ विचार आपने कभी कभी सोचा है आपने इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी निरंजन, ये मैंने बहुत बार सोचा है। और जब मैंने, मुझे याद है मैं जब जंजीर पहले दफा देखी थी पिक्चर में, थिएटर में, मुझे पठान कैरेक्टर बहुत फेमिलियर लगा था, बहुत फेमिलियर लगा था। वो प्राण का जो कैरेक्टर था, वो आपने काबुली वाला कहानी पढ़ी होगी बचपन में। फेमिलियर लगा था क्योंकि हाँ, क्योंकि कलकत्ता में हम बहुत देखते रहते हैं इनको, बट काबुली वाला का कैरेक्टर लगा था मुझे। छवि विश्वास जो एक्टिंग और छवि विश्वास का जो मैनरिज्म्स और छवि विश्वास का जो डायलॉग डिलीवरी, ये मुझे बहुत फेमिलियर लगा। मुझे लगता था कि उनका कैरेक्टर, हाँ जी यस काबुली वाला, मुझे लगता था कि प्राण का कैरेक्टर वॉज बेस्ड ऑन काबुली वाला। क्योंकि आप देखिए काबुली वाला के साथ मिनी का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो ग्रोन अप है, पर वो नाइटमेयर की वजह से तो वो मिनी का एज का ही है। तो ये बहुत देखने वाली चीज है और सोचने वाली चीज जी। हाँ जी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग कि एक डायमेंशन जो है विजय कैरेक्टर का, वो तो बच्चा ही है और उस बच्चे को अपना अपना जो डिलीवरेंस है उसको दिलाने में एक बहुत केंद्रीय रोल पठान साहब का होता है, मतलब शेर खान का जंजीर फिल्म में। 50 साल हो गए हैं जंजीर आज के युग में कितना रेलेवेंट है? एक एकेडमिक के तौर पे आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के बारे में आज की जनरेशन को अगर नहीं देखा है तो क्यों देखना चाहिए, और अगर उसको समझे नहीं है तो क्यों समझना जरूरी? जंजीर तो आज के जनरेशन के लिए इररिलेवेंट है। स्कॉलर्स अगर अमिताभ बच्चन को स्टडी करना चाहते हैं, उसमें भी मैं जब फिल्म स्कूल्स और फिल्म एंड आई इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन फिल्म स्कूल्स के बच्चे को, मुझे लगता नहीं है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर किसी का कोई इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है ये 50 साल पुराना चीज नॉस्टैल्जिया हमारी ही रह गया, और शायद न्यू जनरेशन में किसी का उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप चाहेंगे कि न्यू जनरेशन इसके साथ एंगेज करे, क्योंकि पास्ट ट्रेडिशन को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। पास्ट ट्रेडिशंस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आज के दिन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये पास्ट ट्रेडिशंस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आज के दिन, आजकल तो हमारे पास उतना पावर नहीं है। मिडिल क्लास तो टोटली, और इंटेलिजेंसिया तो टोटली डिसएम्पावर किया गया है। तो जंजीर में हम आइडेंटिफाई करेंगे किससे? हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, हमारे पास तो सोसाइटी के दिए हुए कोई अहमियत भी नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिस्कर्सिव कोई नेटवर्क नहीं है, हम आइसोलेटेड बनता जा रहे हैं। अगर हम कुछ बोले वो भी सुनने वाला कोई नहीं है, छापने वाला कोई नहीं है। तो जंजीर तो ये सब कंडीशन, डिसएम्पावर्ड इंटेलेक्चुअल में तो जंजीर का खत्म ही हो गया। सोचिए, मैं थोड़ा सा आपके साथ इस मुद्दे पे मतभेद रखूंगा। मैं ये मानूंगा कि आज का जो युग है वो एक तरह से पूरी डिसएम्पावर्ड है, और इसी वजह से हमको ये लगता है कि जंजीर जैसे फिल्मों में या फिर ऐसे पात्र के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अतीत को समझना तो जरूरी है ही, और प्लस अगर हमारे बिल्कुल किसी वजह से सिस्टम ने पूरे समाज को डिसएम्पावर कर दिया है तो उसको दोबारा से रीएम्पावर करने के लिए जो जो तरीके हो सकते हैं उनको हमको रिविजिट करते रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। एनीवे, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा सुष्मिता दासगुप्ता जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपके साथ इस तरह के इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग इश्यूज पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर कल्चर के हिस्से रहे, इन सब मुद्दों के बारे में बात करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. It has been a great pleasure again talking to you, Nilanjan. Okay, thank you.